हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए जनरल साइंस की एक नई स्कीम शुरू की है, जिसमें जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाने वाले जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। और मेरी यही थिंकिंग है कि डेली के 2-3 सेट आपको इसके उपलब्ध करवाऊंगा। इसके साथ साथ अपने रिट के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और रिट का सिलेबस भी बोर्ड पर क्लियर करवाया जाएगा। तो चैनल से लगातार जुड़िए रहिए फ्रेंड्स। देखिए, आज जनरल साइंस सेट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, जिसमें मोस्ट क्वेश्चन देखिए। एस्टिगमेटिज्म में एक बीमारी है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीमारी किसकी है? कान, आंख, नाक या गले की? तो बताइए किसकी है ये एक आंख की बीमारी है। अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 7 अप्रैल, 15 मार्च, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम और लोहा। तो इनमें से तांबा धातु का खनिज होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो अपने को पता है किसका करते हैं फ्रेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? तो मनुष्य के शरीर में देखिए तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो यह किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? हेनरी, ऑस्ट्रेड, फेराडे और वोल्टा। तो इनमें से देखे तो ऑस्ट्रेड के द्वारा किया गया था। न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तंत्रिका उत्तक की इकाई मानते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो यह एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो O2 का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो थोरियम होता है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब तो वह क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है तो वह कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है तो वह संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है फ्रेंड्स? 4 दे रखे हैं, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट खनिज, विटामिन खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से देखे तो फ्रेंड्स विटामिन और खनिज, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट डे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतने से उतना कीजिए। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन। तो यह ऊष्मा देखो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पित्तल किसका मिश्रण होता है? तो पित्तल ने देखे तो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। टाका या सोल्डर किसका मिश्रण माना जाता है? सीसा और टिन का मिश्रण होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो CO2 काम में लेते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो उस उपकरण को विद्युत मोटर कहते हैं। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक किसे मानते हैं? तो गतिज ऊर्जा का जो अभिव्यंजक होता है ½mv² होता है फ्रेंड्स। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि सुनी जाती है फ्रेंड्स ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर में क्या फर्क आएगा? तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर होगा वह क्या रहेगा फ्रेंड्स? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? गुड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, शून्य, एक, तीन या असंख्य है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? असंख्य होगा। सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, तो अक्षर ए किसे निरूपित करता है? एक्यूट, डी ऑप्शन सही है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो डिप्थीरिया बीमारी किसे प्रभावित करती है? गले को प्रभावित करती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, तो ये किसका होता है फ्रेंड्स? लाल रंग का होता है। अगला देखिए, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम घटाया जाता है, तो कितना तापक्रम घटाया जाता है फ्रेंड्स? चारों ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इनमें से तापक्रम जो घटाया जाता है वह कितना? -273 डिग्री सेल्सियस घटाया जाता है, तो सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं। अगला देखिए, एसिड या अम्ल बदलता है, तो यह कब बदलता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है, लाल लिटमस को नीले में, लिटमस का रंग नहीं बदलता या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यह क्या बदलने का कार्य करता है? यह नीले लिटमस को लाल में बदलता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अम्ल या एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो चारों ऑप्शन अगर अपन देखें फ्रेंड्स, तो इसमें जो विलयता होगी वह क्या होगी? बढ़ती है। 31 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोक, कास्ट कोयला, कोयला या हीरा? तो इन चारों ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो फ्रेंड्स कार्बन का जो शुद्ध रूपतम रूप है वह कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित रहता है? तो कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित रहता है फ्रेंड्स? चार ऑप्शन देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। इन चारों की अगर अपन बात करें तो इनमें से कार्बनिक यौगिकों में जो उपस्थित रहता है वह कौन सा है फ्रेंड्स? कार्बन रहता है, यानी अपना ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है? गुड क्वेश्चन। तो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का कार्य ऑप्शन दे रखा है, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इन चारों ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इन विकिरणों का अवशोषित करने का कार्य किसका होता है? ओजोन का होता है, ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट देखिए, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो मायोपिक, पहले तो अपने को पता होना चाहिए मायोपिक क्या है, आंखों से संबंधित एक बीमारी है या अपन मानते हैं नेत्र रोग है। तो इस ठीक किया जाता है इसे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसे ठीक करने के लिए काम में लेते हैं फ्रेंड्स अपन ने अवतल लेंस काम में लेते हैं। मायोपिक यानी कि निकट दृष्टि दोष अपन इसे कहते हैं, और इसके लिए काम में लिया जाता है, अवतल लेंस काम में लेते हैं। आंखों से संबंधित फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई भी जनरल साइंस का एग्जाम देख लीजिए, उसमें आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, नेत्र लेंस वगैरह, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये 35 क्वेश्चनों का अपना सेट नंबर फर्स्ट था जनरल साइंस का, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही आपको तैयार करवाऊंगा, और डेली के कोशिश करूंगा कि 2 से 3 सेट आपको उपलब्ध करवाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।